हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बनाएंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिडिल ईस्टर्न रेसिपी शाक्शुका। वैसे इसकी ओरिजिन में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है। बहुत लोग इसे टनिशियन भी कहते हैं, बहुत लोग इसे नॉर्थ अफ्रीकन भी कहते हैं, कई लोग इसे मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। और आज हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, विल जस्ट डाइव राइट इन टू द डिलीशियसनेस विच इज़ शाक्शुका। सो आफ्टर फलाफल और हमस, द ओनली रेसिपी जो मिडिल ईस्टर्न क्विजींस में डोमिनेट करती है, स्पेशली इजरायली क्विजीन में डोमिनेट करती है, वो है शाक्शुका। सो दोस्तों, शाक्शुका का लिटरल मीनिंग होता है कि जस्ट एवरीथिंग को आप मिक्स कर लें। इट्स जस्ट मिक्सिंग एवरीथिंग अप एंड देन व्हाट यू हैव इज शाक्शुका। और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ केक इन अ बेटर फॉर्म। ओके, और जनरली लोग इसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं और इसे ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसे पीटा ब्रेड या छला ब्रेड के साथ एंजॉय किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है इसे। तो सबसे पहले वी नीड 3 काइंड्स ऑफ बेल पेपर। हमारे पास ग्रीन बेल पेपर है जिसे हमने इस तरह से काट लेना है। उसके अंदर से हमें बीजों को निकाल लेना है, वी हैव टू डी सीड इट। और फाइनली हमें उसके छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रिप्स काटने हैं, लंबे लंबे और पतले पतले स्ट्रिप्स काटने हैं हमें, बिकॉज ये जब रेसिपी में जाती है तो ये देखने में बहुत कलरफुल लगती है। तो इस तरह से हमें रेड बेल पेपर भी चाहिए और साथ ही हमें येलो बेल पेपर भी चाहिए। और आई थिंक यू नो कि जब भी हम बेल पेपर या कैप्सिकम अपने रेसिपीज़ में डालते हैं तो रेसिपी में एक बहुत ही कलरफुल लुक आ जाता है, और वो लुक की वजह से ही हमें खाने का मन करता है। देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग कि यू ईट विथ योर आईज फर्स्ट, और आई थिंक दैट saying goes absolutely true with this recipe. ये देखने में जितनी अच्छी है दोस्तों, उतनी ही अच्छी खाने में। तो देखिए, इस तरह से हमें बेल पेपर्स को काट लिया। अब एक नॉनस्टिक पैन में, हमें पैन में इसे बनाना है। नॉनस्टिक पैन में हम तेल डालेंगे, ऑलिव ऑयल डाला है हमने, और साथ ही हमने डाला है प्याज और तीनों बेल पेपर जिसे हमने इस तरह से लंबे लंबे काट लिए थे। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए हल्का कैरमलाइज करना है। विल नॉट कुक इट टू मच बिकॉज बेल पेपर्स का क्रंच रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो इसलिए हल्का हल्का चलाना है जब तक अनियंस की साइड में हल्का गोल्डन ब्राउन टेक्सचर ना आ जाए। सो हमें अनियंस को बेसिकली ट्रांसलूसेंट होने तक दो फ्लेम में हल्का चला लेना है, हमें कुक कर लेना है अनियंस को। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू ऐड आवर गार्लिक एंड जिंजर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ये रेसिपी इतनी पॉपुलर है, इसलिए इसे बहुत जगह बहुत तरह से लोगों ने कस्टमाइज़ किया है। बहुत जगह आजकल ग्रीन शाक्शुका पॉपुलर है जो कि स्पिनच से बनाया जाता है। तो इस तरह से हम जिंजर और गार्लिक डालेंगे। आप चाहे तो और भी कुछ डाल सकते हैं। वैसे अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस में इसमें हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हमें चाहिए जीरा पाउडर विच इज़ क्यूमिन पाउडर, और लास्टली हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ब्लैक पेपर या काली मिर्च को इस तरह से अगर आप क्रश करके डालते हो तो उसमें अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा फ्रेशनेस भी आता है। और थोड़ा सा इसमें और हीट डालने के लिए मैं क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स जो बाज़ार में मिलता है वो डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसमें ग्राउंड कोरिएंडर या धनिया पाउडर भी डालते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगा टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट, यहाँ दो टमाटो की यूज़ की गई है। और फिर इन सबको हमें अच्छे से चला लेना है अंटिल द टमाटोज आर कम्प्लीटली कुक्ड और मसाले कच्चे ना रहे। यहाँ से अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी आपको, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल नो कि आपके जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। नाउ कम्स टू द बेस्ट पार्ट। इस तरह से चम्मच से इसमें स्पेस बनाकर आपको अंडे डाल लेने हैं। अंडों को डालते वक्त दोस्तों बहुत ध्यान दें कि आपको धीरे धीरे करना है। देयर इज नो नीड टू रश फॉर दिस स्टेप। आप जितना धीरे करेंगे उतना ये बिल्कुल बारीक काम है और धीरे से ही अच्छा होगा। तो इस तरह से जैसे आपने अंडों को डाल दिया, डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल फ्लेम को लो कर ले, हीट को लो कर ले और इसे कवर कुक कर ले फॉर अबाउट 2 to 3 minutes, जब तक जो अंडे हैं वो अच्छे से कुक ना हो जाए। और कुक होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेंगे। जैसा कि आप देख रहे, ऊपर का जो योल्क है वो हल्का पिंकिश टर्न हो चुका है, विच मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली कुक्ड एंड रेडी टू बी सर्व्ड। अब मैं इसे गार्निश करूँगा विद सम स्प्रिंग अनियंस
चॉप स्प्रिंग अनियंस के साथ हम गार्निश करेंगे, साथ ही थोड़ा और फ्रेग्रेंस और फ्लेवर डालने के लिए फ्रेशली क्रैक ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा फ्रेशनेस के लिए फ्रेशली चॉप्ड सिलेंट्रो या धनिया पत्ता को हम काट कर इसमें डाल लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी शाक्शुका बिल्कुल तैयार है। बहुत आसान है, इसे आप पीटा ब्रेड के साथ इंजॉय करें, डिप कीजिए ब्रेड में और इसे इंजॉय कीजिए। खाने में बेहद टेस्टी और मिनटों में बन जाती है, और आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जैसी आपको चाहिए। आप इस चाहे तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें मीट डाल सकते हैं, यू कैन मेक इट एज यू वॉन्ट। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज माई रेंडिशन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसिपी शाक्शुका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और फाइनली, अगर आपको इसे बनाते वक्त कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखें। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।